खरगोन जिले के तहसील सेगांव में स्थित प्रदेश का प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी श्री लालभाई फूलभाई माताजी मंदिर में वैसे तो नवरात्रि पर्व पिछले कई वर्षों से नगरवासियों द्वारा श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हुए दशहरे के दिन विशाल भंडारे का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन इस नवरात्रि पर्व पर कोरोना काल की काली छाया पड़ने के कारण इस बार नवरात्रि पर्व शासन की गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाएगा। लेकिन पंडित दीपेश शर्मा ने बताया कि इस नवरात्रि पर्व के पूर्व आज दानदाताओं के सहयोग से जगत जननी माँ लालबाई फूलबाई माताजी पीतल की नक्काशी वाले सिंहासन पर विराजमान होकर सुंदर व नवनिर्मित मुकुट भी धारण करेगी। वहीं इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क धारण करने वाले श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। साथ आज माताजी मंदिर में मंदिर समिति अध्यक्ष हीरालाल पाटीदार, भागीरथ मंडलोई व हरिओम यादव द्वारा पूजा अर्चना के साथ माताजी देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी को सिंहासन पर विराजमान कर मुकुट पहनाया गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। जी, नवरात्रि को लेकर क्या तैयारी की जा रही है? इस वर्ष जैसे नवरात्रि अधिक मास होने के कारण एक माह अतिरिक्त बढ़ चुका है और इसी कारण अक्टूबर के माह में नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और उसको लेकर के अभी कोरोना काल के कारण माता के नवरात्रियों में भी सब उसमें है, विस्मय में है तैयारियां कि किस प्रकार कार्यक्रम होगा। लेकिन जैसे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी उसी प्रकार के सारे कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी और इस वर्ष भी माँ भगवती से कामना है कि हम नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाएं और इस वर्ष माँ भगवती नए सिंहासन पर विराजमान होने वाली है, साथ ही नए मुकुटों के साथ में विराजेगी माता जी और जो दानदाता थे उन दानदाताओं के द्वारा दी गई दान राशि से माँ भगवती को नए सिंहासन के साथ नए मुकुटों के साथ इस बार नवरात्रि में माता को विराजमान किया जाएगा। क्या नाम लिखते हैं? पंडित दीपेश शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।